करता था और आरती करने से पहले घंटी बजाता था। घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ, ने काका आ जाओ, ने बुआ आ जाओ, ने फूफा आ जाओ, ने नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है फिर परिवार के लोग आ जाते हैं, आरती की थाली उसको दे दी जाती है, फिर कोई आ गया उसको दे दी जाती है, फिर उसको दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो तो आरती की थाली बदलती रहती है। तुमने आरती करी उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, बदलती चली जाती है। कहीं काका जी ने, बुआ जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, सबने आरती कर 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 आरती की थाली को बदलते जाते हैं। कई लोग हंसते भी होंगे कि ये सनातन धर्म में ये कहां का प्रपंच है कि एक जनी आरती करते करते इसको दे दिया, इसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों गरुड़ घंटी का नाद किया जाता है, क्यों आरती में सबको बुलाया जाता है? तो इस सिंह केतु के मित्र चंड भील ने रोज का नियम था कि भगवान की आरती करते समय सबको बुलाता, सबको बुलाता था। तो इसने सबको बुलाना चालू करा। सबको बुलाते बुलाते इसका नियम था, आखिरी में पत्नी को आवाज लगाता था कि सुनो आरती प्रारंभ हो रही है, आ जाओ, जल्दी आओ। और आज ये भूल गया कि मेरी पत्नी तो जलकर भस्म हो गई थी, बस आरती की थाली हाथ में थी और चंड ने पुकारना प्रारंभ करा। सुनती हो, देव अधिदेव महादेव की आरती प्रारंभ हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और आरती शुरू हुई, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दीप की बाती जाती है और पत्नी दौड़कर जले हुए मकान में से बाहर निकल कर आ जाती है। धधकते हुए उस अग्नि में से पत्नी निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। पति की आरती के समय पर जब थाली पत्नी ने हाथ में ली, पति देव अधिदेव महादेव को देखता है और अपनी धर्म पत्नी को देखता है, ये कौन आ गया? आरती पूरी होती है, पति ने देव अधिदेव महादेव को प्रणाम कर अपनी धर्म पत्नी से पूछा, तुम कहां से आ गई, तुम्हारी चिता की भस्म तो शिवजी को चढ़ाई है। पत्नी कहती है, मैंने जब मकान में आग लगाया, आग लगाकर जैसे ही पहला चरण मैंने अंदर रखा, रखते से ही एक बूढ़ा सा बाबा और एक बुढ़िया सी माँ अपनी गोदी में अपने पल्लू से मुझे ढककर अंदर सुला ली और मेरी नींद लग गई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। जैसे अभी वो बहन ने कहा कि डूम गिरा, पंडाल गिरा, बिजली चमकी, पानी गिरा, हवा तेज चली, 15 मिनट में कहां तहस नहस हुआ। मैं उस टेंट के अंदर थी पर यह पता नहीं पड़ पाया कि मुझे बचा कौन रहा था, कौन था, कहां से आ गया, कैसे आ गया। ये बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कहां से शिव आ गया, कहां से बचा लिया। वो गाय लकवा लग गया था, नीचे गिर गई थी, सारे डॉक्टरों ने कह दिया नहीं उठेगी, पर बाबा का नाम लेकर उठी तो सरी ना। तो कहां से शिव आता है, कैसे शिव आता है, कहां पहुंच जाता है, मालूम तो पड़े। पत्नी से पूछा, तू कैसे आ गई, कहा अंदर अग्नि में कोई बूढ़ा और बुढ़ी बैठे हुए थे और मुझे बचा लिया। और कहते हैं जा, आरती चालू हो गई, उठो आरती हो रही है, जाओ। मेरे घर के बेटा और बेटी से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे घर की बहुओं से, घर के युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुम्हारे घर में आरती की आवाज आए, तुम नहाए कि ना नहाए, तुमने स्नान करा कि नहीं करा, उस आरती के समय पर उस दिए की एक झलक पाने के लिए माँ के सामने, उस भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाना, दुनिया का आधा दुख तो समाप्त हो जाएगा, आधा दुख समाप्त हो जाएगा। आज मंदिरों में मशीनों से आरती करी जा रही है, नगाड़े मशीनों से बज रहे हैं, घंटियां मशीनों से बज रही है, जरा उस आरती के महत्व को तो समझो कि पहले गांव में जब आरती होती थी
पूरे गांव के घर से एक एक व्यक्ति उस आरती में पहुंचते थे। सब नहीं जा पाते थे तो एक घर का व्यक्ति पहुंचता था। क्यों पहुंचता था? कि जब वो आरती में से आता था तो आरती की बलैया लेकर जब वो घर में पहुंचता था, उसके आरती की बलैया लेते समय हाथ में जो आंच लग जाती थी, कपूर की लो लग जाती थी, वो घर के जिस अंग पर घर में जहां जहां वो हाथ लगता था उस घर से अला बला सब चली जाती थी। क्यों कहते हैं कि आरती में जाओ? क्यों कहते हैं कि घर में आरती हो तो मंदिर नहीं जा सकते, तो घर की आरती को अपनी खिड़की में से झांक कर तो देख सकते हो, फिर जाके सो जाना। पर आरती हो उस समय पर एक झलक उस दीप की मात्र देख लेने से भी दुख समाप्त हो जाता है। ना जाने कितने कितने दुख अपने आप समाप्त हो जाते, अपने आप खत्म हो जाते, कितने दुख अपने आप मिट जाते हैं अपने।